दो और ये हो गई तीन, और चौथी चीज अभी बाकी है वो है आलू। अब ये आलू डलेगा इस मशीन में, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक साइड से आलू डालूंगा और दूसरे साइड से सोना निकालूंगा, यही वो मशीन है जिसमें एक साइड से आलू डलेगा और दूसरी साइड से ये सोना बनके निकलेगा। सोना बनके क्यों निकलेगा, ये 20 रुपए का किलो का आलू आपका 1000 रुपए किलो बिकेगा इस मशीन के प्रोसेस होने के बाद। प्रोसेस कैसे होगा वन बाय वन करके दिखाऊंगा। फर्स्ट प्रोसेस इसमें होगा, सेकंड इसमें होगा और थर्ड इसमें होगा। प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाएगा इसकी पूरी ट्रेनिंग भी आपको यहीं से मिलने वाली है। तो हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, और आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आ गया हूं, और इस बिजनेस आइडिया को शूट करने के लिए मैं आया हूं दिल्ली से गुजरात। जी हाँ, गुजरात के राजकोट में जो पड़ता है 1200 किलोमीटर दूर। और इसलिए मैं दूर आया हूं क्योंकि ये बिजनेस में बहुत ज्यादा दम है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू करके आप लाखों रुपए की कमाई इस छोटे से सेटअप को, एक छोटे से लघु उद्योग को लगा के कर सकते हो। ना तो इसमें आपको कमर्शियल मीटर लेना है, ना ही आपको लेबर रखनी है, ना ही आपको ट्रेनिंग लेनी है, और ना ही आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। तो क्या है ऐसा इस बिजनेस में जो आपको लाखों रुपए कमा के दे रहा है यूं चुटकियों में? तो चलिए जान लेते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कंपनी से जुड़ रहे हैं कंपनी के ऑनर, जो आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे पहले तो कि मशीन कैसे वर्क करती है, और उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए हमने सबसे पहले ले लिया आलू, अभी इसमें डलेंगे। ये देखिए आलू डल जाएंगे, ये इसमें साथ के साथ आपको पानी भी डाल लेना है। ये आलू जो है आपके बिल्कुल छिलके एकदम नए हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल, मतलब इसके ऊपर से ये देख सकते हैं आप, इतना सा भी छिलका जो था वो नहीं बचा है, बिल्कुल फ्रेश आलू हो चुके हैं छिलने के बाद, जैसे घर में छिलते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आई है। अब इसका जो सेकंड प्रोसेस होने वाला वो क्या होने वाला भैया? अभी इसमें वेफर बनेगी जी, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस के लिए हम याली मशीन यूज करेंगे। यस। तो चलिए इसका सेकंड प्रोसेस जान लेते हैं। तो सेकंड प्रोसेस बताइए सर क्या होने वाला है? आलू पेलने के बाद अभी इसका वेफर निकलता है जी, उसका हम डेमो आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसका आपको सेकंड प्रोसेस हम दिखा देते हैं। ये देखिए आलू छिल चुके हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, अब क्या करना है सर दिखाइए। उसको तीन उसका रहता है, तीन डाई रहता है, सली रहती है, वो फिंगरप्रिंट रहती है, तो वो मशीन में फिंगरप्रिंट भी निकलेगी, और क्रीज वेफर भी निकले, प्लेन वेफर बोलते हैं वो, सोल्टी जी, और क्रीज वाली, मतलब काफी तरीके की चिप्स आती हैं, तो उसमें जैसे डाई चेंज करके आप उस तरीके की चिप्स बना सकते हैं। फोर डाई रहती है, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से डाई आपको चेंज करने का रहता है। क्या बात है, अब इसे एक बार डाल के दिखाइए सर कैसे कटिंग होती है। आपको डेमो दिखा दे, ठीक है, आपको लाइव डेमो दिखाते हैं। आलू दोस्तों फिनिशिंग देख सकते हो कटिंग की, कितनी प्रॉपर फिनिशिंग आई है। अब ये सर ये तो थोड़े से गीले गीले हैं आलू, तो इसका थर्ड प्रोसेस इसे सुखाने का होगा। एक्स्ट्रा पानी जो निकालना है वो सब ड्रायर में यूज करेंगे। तो चलिए इसका आपको हम दिखाते हैं थर्ड प्रोसेस क्या होने वाला रहता है। वो वेफर का कैसा शेप में निकला है, ये प्लेन चिप्स है सर। अब हम इसमें दूसरी डाई लगा के दूसरी टाइप की चिप्स दिखाएंगे, और इसमें थिकनेस भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो डाई में हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। छिलका भी नहीं निकला है, पूरा शेप में निकला है। क्या बात है, मतलब लंबा चिप निकला है प्योर फिनिशिंग के साथ। तो चलिए अब आप डाई चेंज करके दिखाइए कि डाई कैसे चेंज होता है, मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए आप, आपको डाई भी चेंज करके दिखाई जाएगी। ये ऊपर का पहला चार ओर से खोल देना रहता है जी, फिर ये निकाल के तीनों साइड से स्क्रू रहता है और खोलना रहता है। ये डाई निकाला और ये लगाया, इसमें ये बोल रहे हैं स्क्रू टाइट किया तीनों साइड से,
फिर 5 मिनट का आपका चेंज हो गया, फिर आप दूसरा भी एक रिंग वाला वेफर है, आप देख सकते हैं कितना लंबा है, शेप में है, फिर टूटा भी नहीं पूरा वेफर। दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से ये लाइनिंग वाला था, वो प्लेन में था, तो आप मतलब डाई करना भी बहुत, डाई भी जो चेंज करना है बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से आप डाई चेंज कर करके अपने तरीके से जो भी जिस तरीके की शेप आप चाहते हो वो कर सकते हो। अच्छा, ये जो डाई वगैरह होती है सर, ये कहाँ से मिलती है इसकी? ये डाई हमारी इधर से कंपनी में बनती है जी, मतलब ये डाई भी आप ही के यहाँ से मिलने वाली है? हाँ, इधर ही मिल जाएगी। सकते दो प्रोसेस के बाद अभी जो पानी, एक्स्ट्रा पानी और वेफर में जो रहता है एक्स्ट्रा तेल, वो निकालने का जो मशीन है उसको ऑयल ड्राई बोलते हैं। अभी कैसे यूज होता है, कैसे होता है उसका मशीन, उसका अपन डेमो दिखाते हैं। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता हुआ इसमें से, आप देख सकता है पूरा एक्स्ट्रा पानी है वो बकेट में निकल गया। इस तरह से आप एक्स्ट्रा तेल निकालना, वेफर में एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा पानी निकल के जब वेफर तैयार हो गया। पूरा पानी निकल गया है, पूरा सूख गया वेफर। बस इसे आप फ्राई करिए और मार्केट में सेल करिए, पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट है। और इसके अलावा अगर आप इसकी पैकिंग भी करना चाहते हैं तो उसकी भी मशीन आपको अलग से यहाँ से मिल जाएगी, ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी, सेमी ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी, रेडी टू फ्राई। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट 3 प्रोसेस दोस्तों। इस तरीके से देखिए पूरा चिप्स बन के कम्प्लीट तैयार है। अब इसमें आप चाहे इसे फ्राई करिए या आप इसे पैक करिए और मार्केट में इजली सेल कर सकते हैं। अभी आपको जो चिप्स निकलती है ना, एक नंबर चिप्स और चेवड़ा के लिए और फिंगर चिप बोलते हैं, उसका हम डेमो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो चेवड़ा के लिए जो एक नंबर की चिप्स होती है वो फिंगर फ्रांस के लिए 2 नंबर या 3 नंबर की चिप्स रहती है। देखो आप लंबी चिप जो मार्केट में यूज होती है आप बन पाई है। क्या बात है, मतलब इस तरीके से डाइयां चेंज करके अलग अलग वैरायटी की चिप्स बना सकते हैं। मतलब एक मशीन जो है काफी तरीके के काम करके देगी, काफी तरीके से कटिंग करके देगी, वेफर भी निकलेगी और चिप्स भी निकलेगी और चेवड़ा के लिए जो सली यूज होती है इसका है ये। सो दोस्तों देखा भी आपने कितना आसान और कितना सिंपल प्रोसेस था, मतलब तीनों मशीनों को यूज करना कितना ज्यादा आसान है। और इस तरीके से एक ही मशीन से काफी सारी डाइयां चेंज करके, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये डाइयां हैं, काफी सारी डाइयां चेंज करके आप काफी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो बिजनेस की पूरी जानकारी देने के लिए फिर से हमारे साथ कंपनी से आ गए सर। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। तो सर आज क्या बिजनेस आइडिया लेकर आए हमारे व्यूअर्स के लिए आप? हमारा नाम है अनिल भाई पटेल, कंपनी का नाम है दुर्गा मैन्युफैक्चर जी, और ये गुजरात के राजकोट सिटी में सापर इंडस्ट्री एरिया में स्थित है जी। तो ये जो बिजनेस है सर, मतलब इसकी अगर हम बात करें, वैसे तो अभी तक लोगों के समझ में आ गया है कि ये चिप्स का बिजनेस है, आलू छीलने का प्रोसेस था तो इसमें सर के हम अगर जैसे कैपेसिटी क्या रहती है इस मशीन की? इसमें 3 टाइप कैपेसिटी रहती है, 10 kg, 15 kg, 20 kg, इस हिसाब से 3 मॉडल रहते हैं। क्या बात है, 3 मॉडल आते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है वो मॉडल आप ले सकते हैं। एक बार में 10 किलो 15 किलो आलू आप छील सकते हैं, कस्टमर को कितना यूज रहता है उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। क्या बात है, और इसके बाद हम आ जाते हैं सर कटिंग वाले प्रोसेस पे। मेन मशीन है चिप्स का मशीन है जी। मेन वेफर का जो हार्ट बोलते हैं वो ये वेफर का हार्ट बोलते हैं, ये मशीन है वेफर का हार्ट, ये है
तो इसमें भी सर मॉडल्स मिलने वाले हैं? हाँ, इसमें एक ही मॉडल में केवल डाई चेंज करने को रहता है। अच्छा, इसमें मॉडल देने की जरूरत नहीं है, इसमें डाई चेंज कर लो और सारा काम हो जाएगा। एक ही मॉडल में डाई चेंज हो जाएगी सर। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है सर? इसमें एक घंटे में 250 से 300 kg का आपको वेफर चिप्स वो सब बना पाएगा। क्या बात है, एक घंटे में 250 से 300 kg कटिंग कर सकते हैं इससे। और इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे सुखाने वाले प्रोसेस पे, जहाँ पे आपने देखा था कि आलू पूरा तरीके से सुखा दिया गया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं क्रंची कर दिया गया था। तो इसका जो सर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या रहने वाला है? इसको ऑयल ट्रायल बोलते हैं, 10 kg और 15 kg में अवेलेबल है जी। मेन वेफर का पार्ट ये है जी। जो वेफर फ्राई होने के बाद इसमें एक्स्ट्रा ऑयल रहता है। हाँ। जो एक्स्ट्रा ऑयल खाने से फैट बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, नुकसानदेह होता है, नुकसान होता है। तो एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल देता है, और वेफर के प्रोसेस से पहले जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा पानी भी वेफर से निकाल देता है। मतलब देखा जाए तो ये तो दो जनों का काम कर रहा है, पहले पानी निकालेगा और बाद में ऑयल निकालेगा। ऑयल निकाल देगा एक्स्ट्रा। क्या बात है। अच्छा सर, अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर इस तरीके का व्यापार कोई करना चाहता है तो क्या इन्वेस्टमेंट रहने वाली है उसकी? इसमें 1 मशीन की चाहे तो भी मिलेगा, एक साथ में पूरा प्लांट चाहे तो भी मिलेगा। तो सर 1 मशीन की मिनिमम कॉस्टिंग क्या रहने वाली है? ये पूरा 1 मशीन 20,000 से मशीन स्टार्ट होती है। 20,000 से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? 20,000 से अपने मशीन बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। क्या बात है, मतलब दोस्तों 20,000 रुपए लगाइए और अपने बिजनेस को कमाइए। अच्छा सर, जैसे कि हमने यहाँ पर पूरी कटिंग करके दिखाई, फिर उसे छील के दिखाया, फिर उसे सुखा के दिखाया, फिर इसे फ्राई करके अगर हम मार्केट में सेल करते हैं तो क्या मार्जिन्स रहते हैं वो थोड़ा सा बताइए सर। आलू का अभी आप देख सकते हैं 20 रुपए 15 रुपए kg है, बिल्कुल। और इस हिसाब से जो वेफर बिकती है वो 1,000 रुपए में है, बिल्कुल, केजी के भाव में। इस हिसाब से जो आप आलू 20 kg से निकाल के प्रोसेस करके आप मुनाफा कमा सकते हैं वेफर बेचते। क्या बात है, मतलब दोस्तों मुनाफे की कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब मुनाफा जो है यहाँ पे 10 गुना 20 गुना 30 गुना तक जाने वाला है। जैसी आपकी मार्केट होती है वैसा आपका मुनाफा रहता है। जैसे आपकी मार्केट रहती है उस हिसाब से आप कमा पाएंगे, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आपने ये पूरा प्रोसेस हमें करके दिखाया तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से मिलेगी? इसका ट्रेनिंग का हम फुल डेमोंस्ट्रेशन देंगे, और फिर इजी टू यूज रहता है जी। एक बार आपको समझा देंगे तो एक बार में आपको पूरा समझ आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। वैसे तो सर मैंने अभी जैसे कि वीडियो बनाई है तो मुझे भी काफी हद तक 90% तक तो समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है। कोई भी उसका बिजनेस कर सकते हैं, किसान भाई भी कर सकते हैं, वो ITI करके वाला लड़का भी कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशन वाला लड़का भी कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, अगर ये पूरा प्लांट कोई लगाता है तो इसमें जो बिजली कंजप्शन रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? ये पूरा प्लान करना चाहते हैं तो 1 घंटे में 2 से 2.5 यूनिट बिजली खपत होगी। 1 घंटे में 2 से 2.5 यूनिट, मतलब जो घर का नॉर्मल मीटर होता है उसमें भी ये मशीन चल सकती है? नॉर्मल में 220 में हो जाएगा आपका। क्या बात है, मतलब दोस्तों कोई कमर्शियल मीटर, कोई कमर्शियल एरिया लेने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कम पूंजी से आप अपना ये व्यापार, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर, हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं वो बताइए सर। हमारा ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और कंपनी में आके डेमो भी देख सकते हैं जी, और डेमो दिखा के हम समझा के उसको ऑनलाइन भी आप बाय कुरियर बाय डिलीवरी दे सकते हैं, बाय ट्रेन में भी दे सकते हैं। आप within 5 or 6 days में आपको जो डेस्टिनेशन स्टार है उसमें पहुंचा देंगे हम। क्या बात है, मतलब दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वहीं से बैठे बैठे इसे ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको घर बैठे 5 से 6 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट सेटअप लेना चाहते हैं सेटअप ले सकते हैं। एक सिंगल मशीन से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक सिंगल मशीन से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सर थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, जो अभी आपने डाई चेंज करी थी तो ये डाई वगैरह कहाँ से मिलने वाली है? ये मशीन में हम 3 डाई एक्स्ट्रा देते हैं। 3 डाई एक्स्ट्रा देते हैं? 3 डाई एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा डाई जो चाहिए इन फ्यूचर जी, तो कुरियर से उसको हम भेज सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर डाई चाहिए तो कुरियर से मिलने वाली है, बाकी आपको एक मशीन के साथ 3 तो फ्री मिलने वाली है। 3 डाई फ्री मिलेगी, और कोई भी एक्स्ट्रा आपको चाहिए इन फ्यूचर तो हम कुरियर करके आपको दे सकेंगे। क्या बात है। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा सर, की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी मशीन्स हैं जो सर खुद ऑन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर आप कंपनी को विजिट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सअप करके भी आ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एड्रेस आपको मिल जाएगा जहां से कंपनी को आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।